आपने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, लोगों की अपेक्षाएं थी जी, देश की अपेक्षाएं थी और है। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार बनाना भी ज़रूरी था, चुनाव हुए, बहुत फेयर चुनाव हुए और वहाँ पर दूसरी पार्टी को साथ लेकर के किसी की मेजोरिटी नहीं थी, सरकार बनाई गई, जनता में विश्वास बना। लेकिन ये समस्या कोई आज की नहीं या पिछले दो साल की नहीं, एक साल की नहीं, पाकिस्तान वहाँ क्या रंग दिखाता रहा, वो किस तरह वैली के कुछ इलाकों को, पूरा जम्मू कश्मीर नहीं मैं कह रहा हूँ, 10% हिस्सा भी नहीं है जहाँ वो बरगलाने की कोशिश करता रहा, वहाँ पर सरकार के पास पूरा खाका था कि जम्मू कश्मीर में विकास होना चाहिए, वहाँ के युवाओं को काम देना चाहिए, वहाँ हम तरह तरह की चीज़ें पैदा करें जिससे रोज़गार निकले, वो सारी चीज़ें एजेंडे में थी और दोनों पार्टियाँ मिलकर के बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ काम कर रही। लेकिन अचानक आपने देखा कि क्या समस्या, उनको दिखाई पड़ा कि ये तो हाथ से निकलता जा रहा है, ये तो वैली का मामला साहब चुपचाप हो गया। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि मामला कई सालों से बिल्कुल चुप था, उन लोगों ने इस मामले को खड़ा कर किया कि वहाँ के युवाओं को बरगलाओ, वहाँ को ये कीजिए। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं देश के अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं जो इस मामले को बढ़ावा हमेशा देते रहे, लेकिन सरकार पूरी तरह सचेत है। हम जानते हैं वो क्या जिस दशा पर पाकिस्तान चल रहा है, एक फेल्ड स्टेट है, दुनिया देख चुकी। जनरल अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि वहाँ हाल खाली क्यों पड़ा था, लोग सुनना नहीं चाह रहे थे कि क्या सुनेंगे, जो बुरान वानी को वो मजबूत लोकप्रिय नेता बता रहे हैं, वो शहीद बता रहे हैं, आतंकवादी उनके लिए शहीद है,